इस वीडियो में आपको मलाइका अरोड़ा की मदर जोयस के पहले स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के फादर अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर ली है और इस सुसाइड को घंटों गुजर चुके हैं और इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है। मलाइका अरोड़ा के फादर अनिल अरोड़ा ने सुबह 9 बजे 6th फ्लोर से जंप मारकर सुसाइड कर ली है और ये सुसाइड उन्होंने क्यों की इस पर अब तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन मलाइका अरोड़ा की मदर जोयस ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। हम सब जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा के पेरेंट्स के बीच में डाइवोर्स हो चुकी है और दोनों कई साल पहले एक दूसरे से डाइवोर्स ले चुके थे, लेकिन अब काफी समय के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे क्योंकि दोनों अकेले होते थे और दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी तो दोनों साथ में रहने लगे थे। मलाइका अरोड़ा की मदर ने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में जो उन्होंने पुलिस को दी है, उन्होंने उसमें बताया है कि मलाइका अरोड़ा के फादर अनिल अरोड़ा रोज सुबह बालकनी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही अंदर आते थे। उनकी मदर का कहना है कि आज सुबह भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि अनिल अरोड़ा के स्लीपर्स अंदर लाउंज में ही पड़े हुए हैं तो वो एकदम से फौरन उठी और अनिल अरोड़ा को ढूंढने लगी। उनका कहना था कि उनके स्लीपर्स लिविंग रूम में देखकर उन्हें लगा कि शायद वो लिविंग रूम में होंगे, लेकिन वो लिविंग रूम में नहीं थे और उनको कहीं पर भी नजर नहीं आए। वो सीधा बालकनी में गई और बालकनी में भी उन्होंने अनिल को कहीं पर भी नहीं देखा और उसी समय उन्होंने नीचे झुककर देखने की कोशिश की कि अनिल नीचे तो नहीं है, तो नीचे देखा कि बिल्डिंग के जो वॉचमैन है वो चीख रहे थे और वो हेल्प के लिए शाउट कर रहे थे और तभी उनकी मदर जोयस को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और कुछ हुआ है और वो फौरन से नीचे दौड़ी तो देखा कि पता लगा कि अनिल ने नीचे जंप कर दी हुई थी। मलाइका की मदर का कहना है कि अनिल को कोई भी बीमारी नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक थे। हाँ, कुछ नी पेन्स जरूर था, लेकिन इसके अलावा उनको कोई और बीमारी नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने मर्चेंट नेवी से BRS ले रखी थी। मलाइका अरोड़ा के फादर ने क्यों जंप किया और उन्होंने क्यों सुबह सुबह उठकर सुसाइड कर लिया ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और बहुत जल्दी सच्चाई खुलकर सबके सामने आ जाएगी। आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।